स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कॉमेडी नेवर एंड्स इन पाकिस्तान, कभी नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इस इलेक्शन में तो वर्ल्ड के नंबर वन कॉमेडी शो बना पाकिस्तान बना है। और बहुत सारी मीडिया को, मतलब बोलते हैं ना, मसाला मिल गया, बहुत मसाला मिला है पाकिस्तान के लिए। दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। आप भी थोड़ा मसाला ले लीजिए इस वीडियो से। और ये अभी तक रुकने वाला नहीं, अभी और लंबा चलेगा। तो चलने वाला है क्योंकि वहाँ पता है इलेक्शन नाम के जो भी है, कौन सा वीडियो तो देखने के बाद पता चलेगा। आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। सियासत आए रोज हम देखने को कोई नया रुख इख्तियार कर रही है। कहीं पे इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे इत्तेहाद टूट रहे हैं। तेरा क्या होगा कालिया। 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान को नहायत सेंसिटिव हालात की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं, तो फिर होगा क्या? मुल्क भर में हड़तालें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इमरान खान की पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। अरे बाबा! अब दोस्तों ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है, जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। के मुल्की तारीख के मुतनाज तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। मरेरा, मरेरा। जहां मुतनाज इंतखाबात हो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। देश संकट में है। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। अल्लाह तौबा। पाकिस्तान में एक इमेज क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होती है। अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जिनको मैं कोट करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। तो जो वजीर आजम बनते हैं उसके गले में भी जो है एक कटोरा लटका दिया जाता है कि बेटा यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। उसका यूएस भी कह चुका हुआ है, यूएस पार्लियामेंट ने इसको कंडेम कर दिया है कि आपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बहुत ज्यादा मतनाज है, पूरी दुनिया में आपके सुबकी हो चुकी हुई है। और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। हमने क्या सारी जिंदगी मांगते रहना है? यानी मतलब ये वही बात है ना कि हम ये हालात दिखा के दुनिया को बाद में कहेंगे जी हमें पैसे दे दे, हमारे पास पैसे नहीं है। कथोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। जो हमारी बदनामी इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पे हो रही है, दुनिया थूतू कर रही है अतू, 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 अतू। कि पाकिस्तान के अंदर क्या कॉमेडी चल रही है। कमेंट बॉक्स में हमें ये आ रहा है कि हमने कपिल शर्मा शो देखना बंद किया, अब सिर्फ हम पाकिस्तान को देखेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जब हमारे पास में पाकिस्तान है तो हमें कपिल शर्मा शो देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमें मनोरंजन का इतना कंटेंट देते हैं। तो मुझे तो ये लगने लग गया ये पाकिस्तान बना ही हिंदुस्तानियों के मनोरंजन के लिए था। अब ये तो जो ऊपर बैठे हैं ये चीज उनको सोचनी चाहिए कि इंटरनेशनली, और देखें यूएस ने भी रिकॉग्नाइज करने से कांग्रेस ने मना कर दिया कि आप ये इलेक्शन ना रिकॉग्नाइज करें, कि हम कितने जलील हो रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और एहसास हो रहा है, वो कौम को तो एहसास है लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनको इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं। उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी से कितनी इफेक्ट होगी। और हमने क्या सारी जिंदगी मांगते रहना है? यानी मतलब ये वही बात है ना कि हम ये हालात दिखाकर दुनिया को बाद में कहेंगे जी हमें पैसे दे दे, हमारे पास पैसे नहीं है। मांगने की तैयारी हो रही है जी, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल मांगने की तैयारी। और जो भी गवर्नमेंट बनेगी इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बेशक ये पीटीआई की बन जाए, वोट मैंने भी इमरान खान को दिया था। अच्छा। लेकिन जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो गवर्नमेंट जो भी है साल डेढ़ से ऊपर चल ही नहीं सकती, चाहे वो पीडीएम मिलकर बना लें या इमरान खान बना लें। सर ये देखिए 77 सालों की तारीख है,
कि इस मुल्क में 5 सालों में 3 वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, और जो आए हैं अगर उनका गूगल करें तो उनके फोटो के सामने आएगा ये कैद हो गया है, ये जलावतन हो गया है, इसको हैंग आउट कर दिया गया है। मतलब जो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं उसके गले में भी जो है एक कटोरा लटका दिया जाता है कि बेटा यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओ। इसका ना सिर्फ एक ही हल है जो हमारी आवाम ने करना है, जो तुर्की ने किया था। तुर्की ने क्या किया था जरा बताएं। उधर उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसने मिलिट्री कू के जरिए कब्जा करने की कोशिश की थी, उधर की आवाम जाग उठे थे, लोग सड़कों पे आ गए थे, टैंकों के आगे लेट गए थे, उनकी उधर की पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया था, यहाँ तो पुलिस एज अ पपेट काम कर रही है। हमारे कमेंट्स या हमारी वीडियोस इंडिया तक भी जाती हैं, वो कहते हैं हाथ जोड़ते शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान बन गया था, अगर ये अवाम हमारे साथ रहती तो हमारे मुल्क का भी यही हाल हो जाना था। लेकिन इंडिया जो है बात ठीक है, उधर इलेक्शन होते कोई ऐसी खबर नहीं आती। अभी 3 स्टेट के इलेक्शन हुए, 2 में बीजेपी की विक्ट्री आई है, ठीक है अनाउंस हो गया, कोई हड़ताल नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा मेरा मैंडेट चोरी, कोई ऐसा मजाक ना अमेरिका ना यहाँ पर यूएन आया, कोई भी नहीं आया। और जो लोगों ने अपनी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट की, जो वजीर आप देखें 10 साल उनके जितने भी वजीर आजम है, किसी ने 15 साल हुकूमत की, किसी ने 10 साल हुकूमत की। अगर अब की बात करें बीजेपी को 10 साल हो गए, 3री टर्म 2 स्टेट वो जीत चुकी है, आगे भी जीतेगी, तो हर वजीर आजम 15 साल पूरा करता है, 10 साल तो करता ही करता है। इधर मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इधर सबको अपने इक्तदार की हवस है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, सबको, तो कोई किसी को काम करने देता नहीं है। और जब तक ये खींचने में आगे माहिर है, जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम 8 फरवरी को क्यों तमाशा किया कि इलेक्शंस हो रहे हैं, जब निजाम ही नहीं बदलना तो फिर वोट डालने का क्या मकसद है? 8 फरवरी को ऐसे नहीं, आवाम जरूर निकली और उन्होंने जरूर बताया कि हमने अपना मैंडेट किसको दिया है, ठीक हो गया। लेकिन जो ऊपर बैठे क्यों आज तक, ये देखें जी 11 फरवरी हो गई है, रात के 12 बजने वाले 12 फरवरी शुरू हो जाएगी, तो अब तक क्यों पूरी सीट के रिजल्ट नहीं आए? इसका जवाब दे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या एस्टेब्लिशमेंट है? कौन जवाब देगा इसका? यहाँ ये गैर आइनी निगरान हुकूमत जो है, आपको लगता है कुछ सिविल वॉर जैसी सूरत हाल है? फिर हड़तालें होंगी, धरने होंगे, जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर हड़तालें होंगी, पार्लियामेंट नहीं बनाने दी जाएगी। और जब मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो बड़ा एक सुनहरा मौका होता है कि यार बाहर से कोई विजिट करने आएगा, कोई बाहर का प्रेसिडेंट आएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई इस पाकिस्तान में, अब तो मैं ये कहूंगी कोई अमरीकी जहाज भी नहीं आता यहाँ पे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाए। लेकिन जो है जज्बाती हो रही है ना, जज्बाती है, लेकिन अपना पूरा मैंने एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाए, और एहतजाज के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो वो 9 मई सानिया 9 मई वाला जैसा कुछ सीन होगा, और इससे बचना चाहिए। इनको ना बांग्लादेश से कुछ सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह इस मुल्क से लैदा हो के वो खुशियां मनाई, अब हमारे पास रह क्या गया है। एक चीज़ है कि इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को पसंद किया जा रहा है कि यार इन लोगों के अंदर जमहूरियत का जो एक नशा है वो दिखने को मिल रहा है। अच्छा, अब ये गुलामी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हुकूमत उसी की बनेगी जिसको अमरीका हाँ बोलेगा। देखिए हर बंदे को पता है, वो क्या कहते हैं कि गरीब गरीब होता है और अमीर अमीर होता है। अच्छा, हर बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आपकी गवर्नमेंट पे हमेशा से रहा है और है और अभी भी है। अभी भी देखे ना इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है आपके साथ, वो आपको बेनकाब कर रहा है, वो आपको मजीद गंदा कर रहा है। ऐसा ही है, ठीक है, आपका इंडिया है, आपका नेबर, आपको पता है वो आपका दुश्मन भी है सबसे बड़ा, लेकिन वो आप पे हंस रहे हैं, वो शुगर लगा रहे हैं कि ये देखो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी इलेक्शन और सिलेक्शन पे क्या कहें? मैम इलेक्शन और सिलेक्शन पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसी पे बेस करती है। पाकिस्तान में एक इमेज क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होती है। अच्छा, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बैलेट इज मोर पावरफुल देन बुलेट। खुदारा हमारी एस्टेब्लिशमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारे जमहूरी इकदार को जिंदा रहने दें, हमारे बैलेट को इज्जत दें, इधर बुलेट के राज को खत्म किया जाए, बैलेट की इज्जत जो है उसकी करवाई जाए, बैलेट के राइट को माना जाए, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है। तो आप मान रही है कि जो मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से जो जमात आई वही है जिसको जी डिसमेंटल किया गया? मैम देख लें, आज इलेक्शन कमीशन को अपनी 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 47 जो फॉर्म 47 उसको विदड्रॉ करना पड़ा है। आखिर कुछ तो ऐसा इनसे ब्लंडर हुआ है कि इन्होंने ये विदड्रॉ किया। अभी कल हाई कोर्ट में जो पिटिशंस हुई हुई हैं, चैलेंज हुए हैं, उनका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा कि वो क्या बनता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, ये गवर्नमेंट, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में होगा कि गवर्नमेंट बनते बनते दिल करे मार्च आ जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स को चैलेंज किया गया है। और एक एक ले मैन भी जानता है कि यार रात 2 बजे एक बंदा 50,000 की लीड से जीत रहा है और 84% उसका पोल आ गया हुआ है, पिछले 16% में वो बंदा
70,000 की लीड से जीत जाता है। और इवन मैम के अब कल रात का कराची में खुरम शेर जमान साहब, लाहौर में जो दहीरबाज कोकर साहब हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं कि उनके पास जो 45 फार्म का सबूत है उसे किसी तरह वापस ले लिया। तो ये कितना गलत हो रहा है ना? देखें यहाँ 45 फार्म को किस तरह जुटलाएंगे, एक खाली ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है, सबसे बड़ी। और नून लीगी जो है वो भी कह रहे हैं यार ये गलत है, इतना गड़बड़। बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट यूएसए से ऑर्डर लेता है, यूएसए के ऑर्डर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट करती है। अब तो आपका यूएस भी कह चुका हुआ है, यूएस पार्लियामेंट ने इसको कंडेम कर दिया है कि आपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बहुत ज्यादा मतनाज है, पूरी दुनिया में आपके सुबकी हो चुकी हुई है। सर उनका मीडिया पहुंच गया पाकिस्तान। दोबारा सोचें, इसको रिकंसीडर करें और थोड़ा सा ज़र्फ का मुदायरा करें, जिसको आवाम ने चुना है उसकी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करें। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। और मजाक तो लिटरली सबको पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान एक मजाक है, पाकिस्तान कुछ नाम ही नहीं है, पाकिस्तान करके कोई कंट्री ही नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि जहां पे कंट्री होती है वहां पे संविधान होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कानून होते हैं, जनता की सुनने वाले लोग होते हैं, ये भी कंट्रियों में होता है, वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात की देखो, ये सबसे बड़ी गलती है ना, ये पाकिस्तान आवाम की है। पाकिस्तान आवाम को भाई पता है कि वहां पे वजीर आजम कौन बनता है, कौन है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन है ना वो नाम के होते हैं। वहां के जो वजीर आजम है लाइफ टाइम के लिए, जो भी आर्मी चीफ बनेगा सिर्फ वही वजीर आजम है। हाँ। तो पाकिस्तान पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है गधे है या क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन जहां तक मानता हूं मैं समझ रहा हूं गधे ही है। आपको पता है कि आपके वजीर आजम है वो आपके आर्मी के जो मेन चीफ जो है वही है, तो फिर आप क्यों नहीं बोलते कि भाई तो फिजूल के पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो ये इलेक्शन में। वो सिर्फ एक मुकुटा रख वो एक सिलेक्ट कर लेते हैं। 25 करोड़ आवाम का बना रहे ऐसा नहीं, 25 करोड़ आवाम है, और 25 करोड़ आवाम से हम ऐसा समझ ले कि 60% लोग जो होंगे वो वोट करने जाते होंगे अप्रोक्स। ज्यादातर एवरेज हर एक कंट्री में इतनी आती है, 100% वोटिंग तो कई एक दो कंट्री में होते होंगे, तो बाकी तो 60% वोटिंग होती है जनरली। जहां पे जैसे हमारे देश में 58% या तक आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन 60% भी समझ ले तो A4 साइज का जो पेपर आता है उस हिसाब से कितने पेड़ कटते होंगे, तो उसमें भी खर्चा, पेड़ों का खर्चा, सब कुछ खर्चा क्यों करवाते हो पाकिस्तानियों? जब तो पीएम तो फिक्स रखना है, पीएम फिक्स है वहां पे। एक देखो आर्मी के पास एक वो जो कुत्ते को गले में डालने के लिए एक पट्टा होता है ना, वो 100 वो पट्टा होता है, लेकिन कुछ समय से वहां पे कुत्ते के जगह पे बिल्ला था। वो अब बिल्ला इतना काम नहीं आ सकता क्योंकि बिल्ले की कोई नहीं सुनता। कोई कंट्री के रिलेटेड कुछ डिले साइन करनी हो तो एक कुत्ता चाहिए, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, तो वो पट्टा खाली था। तो अब जनता को भी बेवकूफ तो बनाना पड़ेगा कि भाई हम किस नस्ल का कुत्ता लाए हैं, तो वो जनता को पहले दिखाना पड़ेगा। तो उसलिए आर्मी ने कर दिया है कांड, ये कांड ये कर दिया है कि किसी को भी बहुमत ना मिले। अब किसी को भी बहुमत ना मिले, अब आर्मी आराम से बना लेगी भाई उसके वजीर आजम, फिर तो यही करना है बिल्कुल। लाल जो बोलते हैं ना, फिर दे देंगे कटोरा, भाई निकल ले तो पाकिस्तान से थोड़ा लेके आ, फिर पार्टी करते हैं। तो देखो भाई, सबका बोलने का अधिकार है और आप इसी के लायक हो पाकिस्तानियों, क्योंकि जागो। वो नहीं जागेंगे, उसका जागना फिक्स है। सुबह उठेंगे भारत 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 भारत, सोते समय तक भारत भारत, सपने में भी भारत, विचारों में भी भारत। और ये अभी तो थोड़े बहुत लोग वो इमरान खान की पार्टी के वो प्रोटेस्ट भी करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं हो, बनेगा तो वो नवाज शरीफ ही बनेगा। इमरान खान बन भी नहीं सकता ना, उसको जेल में डाल दिया है, उसकी पार्टी का सिंबल 15 साल का लिए फिक्स कर दिया है। उसकी पार्टी को इलेक्शन में खड़े रहने के लिए भी सिंबल जो था पार्टी का बल्ला था, इमरान खान का तो सिंबल बल्ला ही है, तो वो भी चेंज करना पड़ा है भाई। तो इमरान खान तो पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पे आर्मी के लिए जो फिक्स है वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ बनेंगे, ओथ लेंगे, टेंशन मत लो,
पाकिस्तान आवाम आपको जितना कुदकना है फुदकना है जो भी करना है कर लो, फाइनली पीएम तो नवाज शरीफ हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल नवाज शरीफ ही आने वाले हैं, फिक्स है, क्योंकि पीएम फिक्स ही होता है, पाकिस्तान का इलेक्शन फिक्स ही होता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई जनता के हम जनता ने जमहूरिया पाकिस्तान, जनता ने हमें वोट देके जिताया है, हम सेवक है फलाना ढिमकाना। भाषण में बोलने के लिए कुछ तो लिखना, जो लिखना पड़ता है स्क्रिप्ट पूरा, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बहुत कर देते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं। वहां पे फिक्स होते हैं इलेक्शन पाकिस्तान जैसी कंट्री में। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, लंबा और हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान पे मेरा भाषण कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि एक दो पाकिस्तानियों ने जो कमेंट में आके लिखा उसके बाद मेरा भाषण और बढ़ चुका है। अब तक मैं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई वो भी हमारे जैसे ही लोग है, उसकी थोड़ी अच्छी बातें भी करनी चाहिए, बट जिस हिसाब से उन लोगों ने जो मेरे को कमेंट में बताया उस हिसाब से वो लोग उसके लायक नहीं है, ये मेरे को समझ में जरूर बिल्कुल वो डिजर्व करते नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं अनपढ़ जाहिल गवार जो भी आप समझो, उससे भी कहीं गुजरे हैं, ये कई गए गुजरे ही है लोग। चलो दोस्तों पहले वीडियो समाप्त करते हैं, आपसे मिलते और अपने वीडियो में नई स्माइल के साथ आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।